हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में। ये अल्फा मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टॉप एंड वेरिएंट है इग्निस का, जो कि कुछ ये रहने वाला। अगर मैं की बात करूँ तो की कुछ ये दी गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो लॉक अनलॉक का जो बटन दिया गया, कीलेस एंट्री वाली जो की दी गई है दोनों, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। छोटी सी की दी गई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहीं पे जो आपको ब्लैक पेन फिनिश दिया गया, यहाँ पर आपको जो है सुजुकी का लोगो दिया गया है। तो बात करते हैं इसके फ्रंट से, तो फ्रंट में काफ़ी जो मस्कुलर ग्रिल दी गई, जैसे ये यू शेप में जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। यू शेप में जो है इसके DRLs दी गई हैं हेडलाइट्स में, और हेडलाइट के अंदर आपको जो प्रोजेक्टर दिया गया जो कि ये रहने वाला है, और यहाँ पर आपको जो इंडिकेटर दिया गया है। तो ऑल ओवर अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूँ तो काफ़ी मस्कुलर और बोल्ड लुक दिया गया है इस गाड़ी को। यहाँ पे नीचे जो है डिफ्यूज़र भी दिया गया जो कि सिल्वर इसमें रहेगा, जो कि गाड़ी को बहुत ही मस्कुलर फील करा रहा है। यहाँ पे आपको क्रोम इंसर्ट दिया गया जो कि काफ़ी बड़ा दिया गया, जैसा कि आप ये देख रहे हो। तो पूरा जो है इसने हेडलाइट से लेकर आगे का फ्रंट पूरा कवर अप कर रखा है। अगर मैं नीचे की साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है फॉग लैम्प दिया गया जो कि हैलोजन नहीं रहने वाला। यहाँ के अगर मैं बम्पर के लोअर साइड की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो डिफ्यूज़र दिया गया जो कि सिल्वर फिनिश में है, और जो है यहाँ पर ग्रिल कुछ इस टाइप की रहेगी जो कि मैट ब्लैक में रहने वाली है। यहाँ पे आपको कुछ वैन टाइप दे रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी जो है यूनिक डिज़ाइन है। आपको जो है इस गाड़ी के अंदर साइड में बॉडी क्लैडिंग भी दी गई जो कि काफ़ी जो है स्पोर्टी लुक दे रहा है इस गाड़ी को, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ साइड लुक की तो साइड लुक कुछ इस तरीके से दिया गया है इस गाड़ी का, जो कि ये रहने वाला है। टायर सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑल ब्लैक रिम दिया गया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस गाड़ी के अंदर, और जो कि और 175/65 R15 का जो है टायर साइज दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये ब्लैक। बहुत से लोग जो है आफ्टर मार्केट में ब्लैक कराते हैं, अगर उनको जो है कंपनी फिटेड ही चाहिए तो वो इग्निस की तरफ भी जा सकते हैं। ये गाड़ी जो काफ़ी जो है मस्कुलर लगती है, और ख़ासकर जब इस गाड़ी के अंदर ब्रॉड टायर लग जाता है तो और भी जो है कहते हैं ना सोने पर सुहागा जो है ये गाड़ी लगती है। यहाँ पे जो है आपको ब्लैक रिम दिया गया जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग दी गई जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो है कुछ टाइप का जो है डिज़ाइन दिया गया। अगर हम ORVM की बात करें तो आपको ऑटो फोल्डेबल एडजस्टेबल मिलता है, यहाँ पे आपको बॉडी क्लैडिंग ORVM मिलता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर ही दिया गया है। डोर हैंडल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया जो कि ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही साइड रहेगा। फंक्शनेबल रूफ रेल्स दी गई है जो कि ये रहने वाली है। बी पिलर भी आपको जो ब्लैकिश में दिया गया जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी गाड़ी को जो है बोल्ड लुक दे रहा है। यहाँ पे भी कुछ इस टाइप का निशान है जो कि ये रहने वाला, काफ़ी जो है यूनिक डिज़ाइन है, मतलब इग्निस में ही आता है और किसी गाड़ी में मैंने ऐसा देखा नहीं है। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो आपको जो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया, काफ़ी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। ये इंडियन रोड के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा जो है ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। आपकी जो है गाड़ी नीचे से नहीं टच होगी तो आप जो ख़राब रास्ते पर इस गाड़ी को जो है आराम से लेके जा सकते हैं। तो ये बात रही इस गाड़ी की साइड लुक की। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के बैक लुक की तो बैक में कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको जो है स्पॉइलर दिया गया जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको LED रूफ लाइट्स दी गई जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। बहुत सी गाड़ियों के अंदर LED रूफ लाइट आती नहीं, वो हैलोजन नहीं होती है, पर इस गाड़ी के अंदर जो आपको LED रूफ लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको डिफॉगर और वाइपर जो है दोनों दिए गए हैं। यहाँ पर जो कुछ ये रहने वाला वॉशर जो है आपको ऊपर की साइड ही है। अगर मैं बैक लाइट की बात करूँ तो काफ़ी जो है अच्छी और बड़ी बैक लाइट दी गई है। LED में नहीं है, हैलोजन में दी गई है, तो अगर ये LED में हो तो काफ़ी अच्छा है। रियर लुक कुछ इस तरीके से है, बहुत से लोगों को इसका रियर लुक पसंद नहीं आता, पर इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन जब होती है और जब ब्रॉड टायर लगता है तो इसका रियर लुक अल्टीमेट लगता है। तो अगर मारुति से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस गाड़ी को थोड़ा सा जो है रियर लुक में थोड़ा सा अगर अच्छा कर दे तो काफ़ी जो है अच्छे नंबर में ये गाड़ी बिक सकती है। यहाँ पर आपको जो डिफ्यूज़र टाइप लुक दे रखा है, इसके अंदर आपको जो रिफ्लेक्टर दिया गया। पार्किंग सेंसर की मैं बात करूँ तो आपको जो 4 पार्किंग सेंसर दिए गए, यहाँ भी आपको जो डिफ्यूज़र टाइप लुक दे रखा है जो कि सिल्वर फिनिश में है। मतलब ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो आपको जो है बहुत ही मिनिमम मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी, अगर आपको जो है कराने का शौक है तो काफ़ी जो है अच्छी अच्छी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर दिए गए। यहाँ पर आपको जो बैक कैमरा दिया गया जो कि ये रहने वाला है। अगर मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस आपको जो है ये दिया गया 260 लीटर्स का जो है बूट स्पेस दिया गया। यहाँ पे आपको जो है बूट लैंप भी दिया गया जो कि ये रहने वाला है।
पार्शल ट्रे भी आपको दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग नहीं करी गई है, और ठीक ठाक जो है बूट स्पेस दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। तो ये बात रही इस गाड़ी के रियर लुक की। चलिए अब बात कर लेते हैं रियर सीट की। तो रियर सीट कुछ ये दी गई है आपको, जो 60-40 स्प्लिट सीट्स दी गई हैं। यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट नहीं दिया, पर आपको जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। रियर डोर कुछ ये रहने वाला। यहाँ पे जो वाइट का फिनिश दिया गया है, यहाँ पे अपनी 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो क्रोम में डोर हैंडल दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं सीटिंग की। तो सीटिंग कुछ इस तरीके से दी गई है इस गाड़ी की, जो कि ये रहने वाली है। यहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छा जो है स्पेस दिया गया है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी जो है अच्छा दिया गया है। अगर हम की बात करें थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है, बट ये थोड़ा सा अगर लो होता तो ज़्यादा बेटर होता। काफ़ी जो है अच्छा खासा जो है रूमी कैबिन है इस गाड़ी का, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ग्रैब हैंडल की बात करें आपको तीनों साइड मिलते हैं, ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलेगा। ये कुछ इंटीरियर का लुक है इस गाड़ी का। चलिए बात लेते हैं फ्रंट डोर की। तो फ्रंट डोर कुछ इस टाइप से दिया गया है इस गाड़ी का, जो कि ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो है ग्रेइश फिनिश दिया गया, जो कि वही बॉडी कलर दिया गया जो कि जिस कलर में ये गाड़ी है। यहाँ पर आपको जो चार पावर विंडो मिलते हैं। यहाँ की साइड आपको लॉक अनलॉक का जो है ऑटो फोल्ड बैक मिरर का जो है बटन दिया गया, यहीं से आप जो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रोम टचअप दिया गया डोर हैंडल पर। ड्राइवर साइड आपको जो ऑटो डाउन जो है विंडो रहने वाली है। यहाँ पर आपको अपनी 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है स्पीकर रिप्लेसमेंट दिखे, स्पीकर आपको 4 मिलते हैं और 2 ट्यूटर्स मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। तो वाइट एंड ब्लैक का जो है कॉम्बिनेशन दिया गया है डोर के अंदर। डैशबोर्ड भी जो है वाइट एंड ब्लैक रहने वाला है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो आपको जो है हाइट एडजस्टेबल सीट दी गई है, जो कि ये रहने वाली है। तो कुछ इस टाइप का इंटीरियर का लुक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि टैबलेट है। पर ये मी सिस्टम 7 इंच का है, जिसमें एप्पल प्ले, एंड्रॉयड ऑटो जो है सब कुछ आपको दिया गया। नेविगेशन भी आपको दिया गया। यहाँ पर आपको जो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी दिया गया है। यहाँ पर आपको 12 वाट का आउटपुट, नीचे आपको USB और AUX का पोर्ट दिया गया। यहाँ पर आपको जो काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई, आप जो अपना फ़ोन रख सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर, ये आपको जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो ऑटोमेटिक जो है आपको ये दिया गया। कुछ ये रहने वाला है। यहाँ पर आपको जो थोड़ी सी प्लेस, यहाँ पर आपको जो है 1 लीटर की बॉटल, बीच में आपको जो है हैंड ब्रेक दिया गया है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स आपको जो है डिसेंट ग्लव बॉक्स दिया गया, जो कि 2 कंपार्टमेंट में। यहाँ भी आप अपना कुछ रख सकते हैं और यहाँ की साइड भी आप अपना कुछ रख सकते हैं। अगर हम बात करें कोटा वैसे वेंटीमीटर की, तो वो आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको माइक दिया गया है। यहाँ पर आपको जो रूम लाइट दी गई, जो कि येलो टाइप में, अगर ये वाइट होती तो ज़्यादा बेटर होती। IRVM की बात करें तो आपको डे एंड नाइट मिलता है, आपको जो है ऑटोमेटिक वाला नहीं दिया गया है। ड्राइवर साइड वेंटीमीटर की बात करें तो आपको नहीं दिया गया। यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया गया है। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको टिल्ट मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता। कुछ इस टाइप का जो है स्टेयरिंग है। यहाँ पर जो है अगर स्विफ्ट वाला स्टेयरिंग होता तो ज़्यादा बेटर होता। कुछ यहाँ पे आपको स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स दिए गए। यहाँ पर आपको जो ब्लूटूथ कंट्रोल्स दिए गए, जो कि ये रहने वाला। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस गाड़ी का जो है ये रहने वाला है, जो कि ये है। काफ़ी स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको RPM मीटर दिया गया, यहाँ पर आपको स्पीड मीटर दिया गया, यहाँ पर आपको जो है लाइट दी गई जो काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पर आपको MID दी गई, जिसमें आपको जो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई है, डिस्टेंस टू MTR और सब कुछ जो है आपको पता ही है कि कितना है। तो काफ़ी अच्छा जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लग रहा है, काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। मतलब मारुति जो है अपनी गाड़ी को जो है ज़्यादातर स्पोर्टी लुक दे रही है आजकल, जैसे कि मैं देख भी रहा हूँ कि इग्निस है और स्विफ्ट है, कि यंग जनरेशन को जो है ज़्यादा पसंद आती हैं ये गाड़ियाँ। तो काफ़ी जो है बढ़िया दिया गया। अगर मैं डैशबोर्ड की बात करूँ, डैशबोर्ड काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में दिया गया, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के जो है ये AC वेंट हैं। यहाँ पे जो क्रोम का टचअप दिया गया है, यहाँ भी आपको क्रोम जो है दिया गया है। वहाँ पर आपको सर्कुलर फॉर्म में जो है दिया गया है AC वेंट, जो कि ये रहने वाला है। वहाँ भी आपको क्रोम टचअप दिया गया और कुछ टेक्चर भी दिया गया, जो कि कुछ ये रहने वाला। तो यहाँ भी जो है थोड़ा सा डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया गया है।
डैशबोर्ड में भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस दी गई है, जो कि यहाँ रहने वाले फ्लैट टाइप भी दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, जो कि ये रहने वाला है 1200 cc पेट्रोल इंजन दिया गया, जो कि 81 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो माइलेज आपको जो है 21 का आराम से दे देगा ये हाईवे पर, और सिटी के अंदर आपको जो 15-16 आराम से दे सकता है ये इंजन। बाकी आपके जो है ड्राइविंग ट्रायल पर डिपेंड करता है कि आप जो है किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। 4 सिलेंडर इंजन रहने वाला है, जो कि 32 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ आता है, जो कि ये रहने वाला है। काफ़ी अच्छा इंजन दिया गया, मारुति का इंजन आपको पता है कि काफ़ी अच्छा इंजन आता है, काफ़ी जो है साइलेंट इंजन रहता है मारुति का, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट रहता है। यहाँ पे आपको इंसुलेशन दी गई, तो यहाँ जो है कॉस्टिंग नहीं करी गई है, और इसकी मदद से आपको जो कैबिन नॉइस कम आएगी इस गाड़ी के अंदर। तो ये थी मारुति इग्निस अल्फा वेरिएंट ऑटोमेटिक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।